चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं और इस तस्वीरों को देखने के बाद जो दुश्मन देश है वो भी इस वक्त जो है दहला हुआ है, सहमा हुआ नजर आ रहा है। उसके पीछे की वजह ये है कि आपको ये बता दें कि दरअसल जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है भारत पाकिस्तान बॉर्डर से, उसे देखकर ये लग रहा है कि अब भारत ने जो है वो जंग की तैयारी कर ली है। दरअसल पाकिस्तान बॉर्डर के पास यानी कि राजस्थान के रेत में भारतीय सेना और अमेरिकी सेना ने अब युद्ध अभ्यास की तैयारी कर ली है और जो ये वॉर एक्सरसाइज की तस्वीरें सामने आ रही है इसे देखकर ये लग रहा है कि अब भारत जो है पूरी तरीके से जंग लड़ने को तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ अगर दुश्मन देशों की बात करें तो उनका दिल जो है कांप उठा है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी फायरिंग रेंज है जो गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रही है। आसमान से आग बरसाते गोले, मरुभूमि में बख्तरबंद गाड़ियां, आतंकियों को घेरने से लेकर बंधकों को छुड़ाने तक सुबह की पहली किरण से लेकर रात के अंधियारे तक, आसमान से लेकर जमीन, दुर्गम चढ़ाई से लेकर कटीले जंगलों तक ये जवान दुश्मनों को माकूल जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। 9 सितंबर से राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में दो देशों की पावरफुल सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास चल रहा है जो पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक है। यही रण में दुश्मनों को धूल चटाने के लिए भारत और अमेरिका के सेना के जवान एक दूसरे से युद्ध के कौशल सीख रहे हैं। जब दोनों देश की सेनाएं मैदान में उतरी तो युद्धाभ्यास में असली जंग जैसे हालात बने। ताबड़तोड़ गोलियां और आग बरसाते गोले नजर आए और आसमान में गरजते हेलीकॉप्टर से बमों की बरसात। ऐसा लग रहा था मानो सच में कोई जंग चल रही है। जगह जगह तैनात खतरनाक हथियारों से लैस दस्ते की तैनाती और लगातार फायरिंग भी दिखाई गई। भारत और अमेरिका की संयुक्त रूप से युद्ध अभ्यास के बीच में अब आप देखेंगे भारतीय वायुसेना का रुद्रा, जिसको देख करके आपको लगेगा कि दुश्मनी ठिकानों को किस तरीके से नेस्तनाबूद करने का काम जो है वो ये रुद्रा करता है। और रुद्रा की खास बात यह है कि ये बिल्कुल चूकता नहीं है, अचूक निशाना इसका होता है और दुश्मनी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने में इसका एक अहम रोल रहता है युद्ध के बीच में। और यही कारण है कि जो रुद्र को आप देख रहे हैं ये दुश्मनी ठिकानों को न सिर्फ नेस्तनाबूद करता है बल्कि उनके उन चुनिंदा ठिकानों को भी अपने रॉकेट मिसाइल सिस्टम से तहस नहस भी कर देता है। इस वॉर एक्सरसाइज में दोनों देशों के सेना ने जहां एक तरफ दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों पर एक साथ हमला बोला तो वहीं आसमान से गरजता रॉकेट मिसाइल लॉन्चर से तैनात रुद्रा हेलीकॉप्टर ने तबाही मचाई। भारत और अमेरिका के बीच में किस तरीके से संयुक्त युद्ध अभ्यास जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे किस तरीके से LMG लगी हुई जो लाइट मशीन गन सिस्टम जो है ये जीप में तैनात है और किस तरीके से सपोर्ट सिस्टम के साथ में भारतीय सेना जो है वो आगे बढ़ती है ये बताया जा रहा है। 72 घंटे के लगातार युद्ध अभ्यास के बाद में जो सेना है जब ग्राउंड पे काम करती है तो किस तरीके से अपना सब कुछ क्लियर करते हुए चलती है। LHA प्रचंड और अपाचे हेलीकॉप्टर के बाद में अब रुद्र जो है किस तरीके से रौद्र रूप अपनाता है युद्ध के क्षेत्र में वो हम आपको दिखाएंगे। ये धमाकों की आवाज और किस तरीके से आप देखेंगे कि किस तरीके से धुआं धुआं कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है उन ठिकानों को भारत के रुद्रा ने जो कि रुद्र रूप अपनाता है, एक रौद्र रूप जिस तरीके से है वो देखने को मिलता है। और ये जो युद्ध के क्षेत्र में रुद्र का रौद्र रूप है वो हमने आपको दिखाया। पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका की सेनाएं अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रही हैं। ये 20वां मौका है दोनों देश के जवान एक साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं। भारत की राजपूत रेजिमेंट 9 बटालियन के 600 जवान, अमेरिका की 11 एयरबोर्न डिवीजन के 1/24 बटालियन के 600 जवान अभ्यास में शामिल हैं। रेगिस्तान की धरती पर चल रहे इस बैटल एक्सरसाइज में दोनों सेनाओं की करीब 8 महिला ऑफिसर हैं जिनके पास
महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। महिला अधिकारियों में केमिकल कोर ऑफिसर्स, कॉम्बैट इंजीनियर, मेडिकल सपोर्ट कॉम्बैट, फिजिशियन फायर सपोर्ट ऑफिसर और प्लाटून लीडर के तौर पर भूमिका निभा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारत और अमेरिका के बीच में प्रचंड अभ्यास चल रहा है, रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया। लेकिन इस अभ्यास में कौन से ऐसे हथियार हैं जो खास हैं, वो जरा समझ लेते हैं। देखिए, पिनाका मिसाइल, इसका भी इस्तेमाल हो रहा है, अभ्यास इसके जरिए भी हो रहा है। इसके अलावा होविल्जर और बख्तरबंद वाहन, इसका भी वहां पर देखिए हमने आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाया। मोर्टार से भी फायरिंग वहां पर हो रही है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी इस्तेमाल यहां पर किया गया है। इसके अलावा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी है। वहीं हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट मिसाइल है और अपाचे हेलीकॉप्टर भी है, जिसके जरिए अभ्यास करने की यहां पर पूरी कोशिश हो रही है। एचएएल प्रचंड हेलीकॉप्टर और इसके साथ ही एचएएल रुद्र हेलीकॉप्टर, इसका भी इस्तेमाल अभ्यास के दौरान हो रहा है। कुल मिलाकर देखिए, जहां एक तरफ भारत और अमेरिका साथ हैं और यही वजह है जो भी युद्ध की तस्वीर सामने आ रही है, इससे दुश्मन देश घबराए हुए हैं, सहमे हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। दो मिनट में दुनिया के साथ इसराइल की 24 घंटे में लेबनान में दूसरी एयर स्ट्राइक हुई। हिजबुल्ला कमांडर इब्राहिम अकील समेत 12 आतंकी हुए ढेर। सैकड़ों रॉकेट लॉन्चर और हथियार डिपो भी हुआ तबाह। इसराइली 24 घंटे के भीतर दो बार लेबनान पर की एयर स्ट्राइक। बेरूत पर की गई बमबारी हमले में हिजबुल्ला कमांडर इब्राहिम अकील की मौत की खबर। लेबनान पर इसराइली हमले में 66 से ज्यादा लोग हुए जख्मी, सभी को पहुंचाया गया अस्पताल। हिजबुल्ला के लड़ाकों से भी की तरफ से भी संभाला गया मोर्चा। बेरूत में हुए हमले के बाद मरने वालों की संख्या हो सकती है ज्यादा, कई घायलों की हालत गंभीर। इमारतों को भी पहुंचा भारी नुकसान। अमेरिका की वांटेड लिस्ट में शामिल हुआ इब्राहिम वकील। 1983 में अमेरिका के मरीन बैरक पर हमले में शामिल था इब्राहिम वकील। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल लेबनान तनाव पर जताई चिंता। बोले, संघर्ष विराम के लिए समझौते की करनी चाहिए कोशिश, हालात हो रहे हैं खराब। श्रीलंका में आज होंगे राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। 83 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला, 1,70,00,000 लोग करेंगे मतदान। कैलिफोर्निया में एक जहाज में लगी भीषण आग, दूर तक उठता दिखा धुएं का गुबार। कई घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। इटली के एमिलिया में बाढ़ बारिश से भारी तबाही। भयंकर बाढ़ के बीच हजारों लोगों को निकाला गया। और दुबई में जुमेरा गार्डन सिटी के पास भीषण आग लग गई। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक मस्जिद में हुई मारपीट। बैतुल मुरकार मस्जिद में मारपीट का वीडियो सामने।